ये यूवी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जोवीज सन ब्लॉक का रिव्यू। ये SPF 45 का सनस्क्रीन है, इसका मैं डिटेल में रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे लिए सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी इट समर सीजन और विंटर सीजन और इवन फॉर दैट मैटर रेनी सीजन। मैं हमेशा सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ, आई नेवर स्किप सनस्क्रीन। घर पे भी मैं जब रहती हूँ तो मैं हमेशा सनस्क्रीन को अप्लाई करके रखती हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव अ वेरी गुड सनस्क्रीन जो आपके स्किन को प्रोटेक्टेड रखेगा। सो इसीलिए मैंने सनस्क्रीन को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, बिकॉज ए इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, बी इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड सी इसके मैंने काफ़ी सारे अच्छे खासे रिव्यूज़ भी देखे थे। सो आई थॉट लेट मी गो फॉर दिस वन। सो मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है जोवीज सन ब्लॉक SPF 45 वाटर प्रूफ सनस्क्रीन। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। ये इस तरीके का लिड ओपनिंग में आता है जिससे प्रोडक्ट इजिली निकल जाता है और ये आप कैरी भी कर सकते हैं इजिली। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। दिस इज वेरी अफोर्डेबल। ये 100 ग्राम्स का है विच रिटेल्स फॉर जस्ट 355 रुपीज, लेकिन ये आपको और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। मैं इसके सारे परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, सो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब कुछ सनस्क्रीन के बारे में जनरली बात करते हैं। सनस्क्रीन एक्चुअली है क्या? सनस्क्रीन हमारे स्किन को UVA, UVB, मतलब जो सन हार्मफुल रेज है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और सिर्फ सन ही नहीं, कई बार हमारे इंडोर्स भी जो भी हम लोग लाइट इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर आप गैस के सामने काम करते हैं उस हीट से भी आपके स्किन डैमेज हो सकता है, उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन में जो SPF 45 है इसका मतलब है क्या? SPF एक्चुअली सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, मतलब कितनी देर तक सन से आपके स्किन को ये सनस्क्रीन प्रोटेक्टेड रखेगा उसका काउंट है SPF। तो इसमें SPF 45 है, इसका मतलब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए विच रिजल्ट्स इन 450। सो 450 मिनट्स तक ये आपके स्किन को प्रोटेक्टेड रखेगा। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। SPF 20 लगाने से भी ऐसा नहीं कि आपके स्किन ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी, इट विल प्रोवाइड यू द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन बट ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। सन रेज कई तरह के होते हैं जो हमारे स्किन को डैमेज करता है, UVA, UVB, ये आपको दोनों मतलब UVA, UVB दोनों रेज से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड सनस्क्रीन का वाटर प्रूफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग स्विमिंग अगर करते हैं फिर भी सनस्क्रीन की जरूरत है। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो धूप की वजह से स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा स्वेट करती हूँ, इसीलिए मेरे लिए सनस्क्रीन वाटरप्रूफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि आपने तो सनस्क्रीन अप्लाई किया है तो सन से आपकी स्किन प्रोटेक्टेड है, बट एक्चुअली वो स्वेट के कारण सनस्क्रीन निकल जाएगा और स्किन आपका प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, इसीलिए वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट है। ये सनस्क्रीन बिल्कुल वाटरप्रूफ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड द टेक्सचर ऑफ द सनस्क्रीन। सो ये इस तरीके से ओपन होता है एंड यू ऑल कैन सी प्रोडक्ट जो है वो व्हाइट कलर में है। जनरली सनस्क्रीन इसी कलर में होता है, ये जेल सनस्क्रीन तो है नहीं, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। सो इट विल बी अ बिट हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एज वेल। तो इसे जब मैं ब्लेंड करती हूँ ना तो आप लोग देख सकते हैं ये इंस्टेंटली स्किन पर अब्सॉर्ब हो गया विद इन सेकेंड्स, और कुछ व्हाइट कास्ट वगैरह कुछ भी नहीं है इंस्टेंटली स्किन में। ये इतना ज्यादा लाइट वेट है कि स्किन में अब्सॉर्ब हो गया, बट हाँ स्किन को ना अच्छे से मॉइस्चराइज्ड भी ये करता है। एज यू ऑल कैन सी यहाँ पर मेरी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई इसे अप्लाई करने से। दैट्स व्हाई आई लव यूजिंग दिस सनस्क्रीन, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, यू ऑल नो दैट। तो मैं मॉइस्चराइजर नहीं इस्तेमाल करती, मैं सिर्फ इसी सनस्क्रीन को इस्तेमाल कर लेती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। और ये सनस्क्रीन व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता, अप्लाई करने के बाद जब आप ब्लेंड करोगे तो इंस्टेंटली ये स्किन पर अब्सॉर्ब हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? इसके अंदर है लिकरिस, एलो इंडिका, सैंडलवुड, डॉकस करोटा एंड व्हीट जर्म। ये सारे इंग्रेडिएंट्स कितने नेचुरल है। सैंडलवुड हमारे स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्किन को क्लियर करने में मदद करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें। एलो इंडिका हमारे स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है। सो ऑल द गुड थिंग्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड दिस सनस्क्रीन। सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस सनस्क्रीन।
प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी अफोर्डेबल है। ऑल्दो मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, ये सनस्क्रीन SPF 40 वाला मेरे पास है, बट अगर आप कोई हायर SPF का चाहते हैं वो भी अवेलेबल है इसी सेम सनस्क्रीन रेंज में। इसमें लोअर SPF का सनस्क्रीन ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटी अकॉर्डिंग टू योर ओन नेसेसिटी। सो माय कंक्लूजन अबाउट दिस सनस्क्रीन इज दैट दिस सनस्क्रीन कैन बी यूज्ड बाय मेन, वुमन, टीनेजर्स, क्योंकि इसके अंदर पैराबेन नहीं है। दिस सनस्क्रीन इज पैराबेन फ्री, विच इज अ वेरी बिग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मैं पैराबेन वाले कुछ भी प्रोडक्ट, चाहे वो हेयर केयर हो या स्किन केयर हो, मैं नहीं इस्तेमाल करती। आई ऑलवेज गो फॉर पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इसके डिटेल्स एंड ऑल लिंक्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी तरीके का वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए कहीं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।